आज मैं चौमिन बनाने जा रही हूँ। मैंने गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, मिर्ची, पत्ता गोभी, धनिया और लहसुन मैंने नूडल में तेल लगा करके रख दिया, क्योंकि ये चिपके ना, इसलिए तेल लगाना जरूरी। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी, क्योंकि लहसुन बाद में डालूंगी, नहीं लहसुन जल जाता है। अब प्याज मेरा हो गया है तो मैं इसमें लहसुन डालूंगी कटा हुआ, इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। अब इसके बाद मैं हरी मिर्ची डालूंगी इसमें। हरी मिर्ची डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं गाजर डालूंगी। गाजर को डाल के 2 मिनट के लिए चलाऊंगी। सब्जी को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा सब्जी पक जाएगा तो ये गिलगिली हो जाएगा। सब्जी को क्रंची ही रहने दें। अब मैं इसमें शिमला मिर्ची डालूंगी। शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा चलाऊंगी इसको, मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें पत्ता गोभी डालूंगी। इसलिए मेरा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अपना अपने हिसाब से बना के देखना। अब इसमें मैंने काली मिर्च डाल दिया। 1 चम्मच इसमें अजीनोमोटो डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर डालूंगी। 1 चम्मच के बराबर सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी। अब मैं इसमें नूडल डालूंगी। मेरा नूडल देखिए एकदम फर्स्ट क्लास खिला खिला है। अब मेरा चौमिन बन के रेडी है। मैं इसमें हल्का सा धनिया डालूंगी। धनिया डाल करके सर्व करूंगी। अब मेरा नूडल बन के एकदम रेडी है, खाने के लिए तैयार है। स्वाद लेके अच्छे से खाइए, एंजॉय कीजिए।